राजधानी दिल्ली के राजापुरी में इजामेड प्राइवेट लिमिटेड के पहले आउटलेट की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रिबन काट कर और गणेश वंदना करके की गई। इसके बाद पूजा व हवन विधि विधान द्वारा किया गया और शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 200 से अधिक लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इजामेड प्राइवेट लिमिटेड होममेड व हैंडमेड अचार, पापड़, नमकीन बनाने का काम करती है। इस कंपनी द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे वह नमकीन हो, अचार हो या पापड़ या मसाले हो, यह सभी होममेड घरेलू महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इजामेड प्राइवेट लिमिटेड 2 वर्ष पुरानी कंपनी है, जिसने साल 2020 में अपने सफर की शुरुआत की थी। इजामेड की डायरेक्टर आरती आर्य ने बताया कि उन्होंने अपनी मां लीलावती के साथ इस काम को घर से ही शुरू किया और आगे बढ़ाया और 2 साल से अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहला इजामेड प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली के राजापुरी में आउटलेट का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लीलावती आर्य की सोच है कि वह घरेलू महिलाओं को रोजगार और उनको समाज में बराबरी का अवसर देना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें सक्षम बनाना भी चाहती हैं। उन्हें कार्य देकर उनके रोजगार को स्थापित करने में उनकी मदद करना चाहती हैं। इजामेड इसी का नाम है और इजामेड का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम के बारे में बताया जाए। इजामेड प्राइवेट लिमिटेड अपने मसाले, अचार, पापड़ और नमकीन के स्वाद के साथ साथ सभी लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराना चाहती है और लोगों को सामर्थ्यवान बनाना भी चाहती है। जी मैडम, क्या नाम? मेरा नाम लीलावती। आज यहाँ पे ओपनिंग किस चीज की हुई? ये मेरा अपना खुद का 35 मसाले अचार वगैरह का मेरे दुकान के नाम पे, जो मेरी मम्मी के थ्रू मेरे को मतलब प्रोत्साहन मिला है। जी कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे? इसको साल से ऊपर हो चुका है। पहले घर से ही शुरू हमारा था, अब धीरे धीरे घर में छोटे बड़े डब्बे करते करते बहुत मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता। तो अब हमने शुरुआत नहीं है, अब शुरुआत 2 किलो के 5 किलो से स्टार्टिंग किया था। आज आपने एक शॉप की भी ओपनिंग की, क्या कोई ब्रांच भी किसी को देंगे इसकी या फिर खुद ही इसके? नहीं, हम अपना अभी तो फिलहाल खुद ही करेंगे, तो बढ़ता जाएगा आगे भविष्य में, हमको नहीं पता अभी तो। हम अभी फिलहाल यहाँ से शुरुआत अभी आप लोगों ने जब किया तो कैसे लोगों को जोड़ा, महिलाओं को कैसे जोड़ा अपने साथ इस काम में? महिलाओं को जैसे अब मैं अकेले थक गई, अब जो मिलने के लिए आते हैं मेरे लोग कहते हैं तो मैंने कहा आपके पास बैठे हो, बैठे बैठे हम गप्पी गप्पी भी मार ले, थोड़ा काम भी हो जाए, आप चाहो तो हम आपको घर पे भी दे दें, आप चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो कह रहे जैसे मतलब आपको जैसी सुविधा है, मेरे बच्चे भी संग में भागते दौड़ते लेकर के कि चलो माल वहाँ पहुँचा दिया, सफाई कटिंग करके अपने मेरे पास मतलब मटेरियल आ गया तो उसको मैंने अपने आप के घर में किया। तो कुछ इसमें पहाड़ी, आप लोग पहाड़ की तरफ से हैं, नाम भी उसी तरह रखा है, तो कुछ पहाड़ी फ्लेवर भी इसमें आप लोगों ने ऐड किए हैं क्या? अभी पहाड़ी फ्लेवर क्या कह सकते हैं उसको, उत्तराखंड से भाई यही है अभी तो फिलहाल शुरुआत है, अभी तो दिल्ली से ही है। मेरा बचपन जो है हमारे भाई बहनों के संग में मदनगिरी में गुजरा, तो वहाँ पे हमारे जो थे बनिए लोग उनों के संग में, उनको देख देख के मेरे को मतलब वो चीज़ें बचपन की मेरे आंखों में भरती है। स्पेशल क्या होगा आपके इसमें? स्पेशल तो वैसा सभी स्पेशल है, जब उसके हाथ से बना तो सारे स्पेशल है, वो आपके समझ आपको जो अच्छा लगेगा वो आपके लिए स्पेशल है, मिले सब कुछ स्पेशल। भविष्य के लिए कुछ प्लान भी कर रखा है? अभी तो भविष्य का हमको भी नहीं पता, फिलहाल ये भी नहीं सोचा था कि मैं ये आउटलेट खोल पाऊंगी, ये मेरे बच्चों के सहयोग से मेरी बेटी है। आपने जो इजामेड अपना शोरूम खोला है इसके बारे में बताइए, क्या कुछ है, क्या प्रोडक्ट हैं आपके? जैसा कि नाम बताता है, इजामेड हैंडमेड विद मदर्स, मतलब ये यहाँ की इजा है और डायरेक्टर भी लीलावती जी, तो इन्हीं के थ्रू जो भी बनावा, जो भी प्रिपरेशन हमारे यहाँ से होके जाती है इनके सुपरविजन से जाती है, इन्हीं की रेसिपी के थ्रू जाती है। और मेन जैसे कि हमने कहा है पिकल्स स्पाइसेस एंड मैनी मोर, नमकीन पिकल्स स्पाइसेस एंड मैनी मोर। सो पहले था हमारा जो शुरुआत हुई थी वो पिकल्स स्पाइसेस के साथ हुई थी, नमकीन हम लोगों ने अब एड ऑन किया है। और साथ के साथ जो सबसे पहले हम लोगों की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी रस एंड बिस्किट और रस, वो हम लोग उस समय कहीं और से सप्लाई किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉम को शौक था कि वो बनाए पिकल्स वगैरह, और वही उन्होंने शुरू किया और उसी शौक को लेते हुए आज इजामेड की तरफ हम लोग
आए हैं। और शुरुआत में हम लोगों ने 2021 से जो है इस काम को जोर दिया, जब हम लोग घरों घरों में डिलीवरीज पहुंचाते थे यही हैंडमेड पिकल्स की। और हमारे पिकल्स की खास बात ये है, ये बनते हैं शुद्ध सरसों के तेल में, और साथ में जोक में जो इनमें नमक यूज़ होता है वो कोई नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट नहीं है, वो सेंधा नमक। तो सब अपनी तरफ से देख तो परख के उत्तम गुणवत्ता के हम लोग जो है सामान इसे बनाने में कौन कौन सहयोग करता है? मेरी टीम भी है, हमारी टीम है जैसे कि इसका नाम है इजामेड, तो यहाँ पर काफ़ी इजाज का सहयोग है हमारे साथ। इजा का मतलब उत्तराखंड की कुमाऊनी लैंग्वेज में होता है माँ, ठीक है, तो माँ के हाथों का बना। ये सभी जो बनाने वाली हैं सभी लेडीज हैं? सारी लेडीज हैं, जो कि हम लोगों ने जब हम लॉकडाउन के थ्रू तो उस समय तो कोई मिल नहीं सकता था, तो उस समय जो ये काम होता था वो डेली वेजेस के थ्रू होता है। डेली वेजेस पे लोग पेड ऑफ होते थे, और कटिंग वॉशिंग और आगे मिक्सिंग इन सब के लिए। कितनी लेडीज अभी आप लोगों के पास काम? अभी हम लोगों के पास लगभग 4 से 5 लेडीज हैं जो बनाती है। तो कितना समय लगता है इसको तैयार करने में? एक अचार की प्रिपरेशन में हमको लगभग 1 वीक लग जाता है।